चोट लगा वकील को, दर्द मोनू कुमार और राणा रंजीत और कामदेव कुमार को होता है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। वार सचिव भाइयों की अगर कोई अच्छा होता है तो सबसे बड़ा खुशी मीडिया कर्मी को ही होगा, क्योंकि मीडिया कर्मी हमेशा वार सचिवों का आवाज बुलंद किया है। लेकिन अगर वार सचिवों के साथ धोखाधड़ी होता है तो उसकी सच्चाई बताना भी मीडिया का ही जिम्मेदारी होता है, और वही जिम्मेदारी लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से आया हूं। देखिए, यह सच है कि बिना पैसा के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, चाहे आप धरना दें या सरकार के खिलाफ फिर से आप कोर्ट में जाएं। बिना पैसा का इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। जब तक आप पैसा फेंक रहे हैं तब तक आपका धरना चलेगा, तब तक आपका केस चलेगा। पैसा नहीं आप दीजिएगा, खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह होता है कि आप लोगों से जो पैसा तसीला जाता है, क्या उसका सही उपयोग हो पाता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आज इसी सवाल को लेकर हम आप लोगों के सामने समीक्षा करने आए हैं। क्योंकि आप लोगों से जो पैसा तसीला जाता है वो कहां जाता है, इसका अता पता भी आप लोगों को है? नहीं है। तो नहीं है तो जान लीजिए, आप लोगों से ठगी किया जा रहा है। आप लोगों से संघ बनाने के नाम पर, पार्टी बनाने के नाम पर, केस लड़ने के नाम पर सिर्फ उगाही किया जा रहा है, और आप लोग ठगी का शिकार बार बार होते जा रहे हैं। हमें कई वार्ड सचिव भाई मैसेज किया, फोन किया और अपना दर्द बताया और कहा कि हम लोगों से बार बार पैसा मांगा जाता है। कई लोग ने कहा कि हम 2,500 चार बार दे चुके हैं। कई लोगों ने कहा हम 1,000 रुपया दे चुके हैं 2-3 बार। तो ऐसे कई वार्ड सचिव भाई हैं जो कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी मेहनत पसीना का पैसा अपने जो उसका एक फर्जी नेता है, जो कह रहा है कि हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कह रहा है प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जो कह रहा है कि हम प्रदेश महासचिव हैं, उसको पैसा दे रहा है, जो कि ये फर्जी है। फर्जी क्यों है हम ये बता देते हैं। चूंकि आप लोगों का जो लेटर पेड होता है उसमें आप लोगों का संघ का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो ये प्रदेश सचिव कहां से आ गए और प्रदेश अध्यक्ष कहां से आ गए, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब आप लोगों के लेटर पेड पे कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो बिना रजिस्ट्रेशन का संघ कैसे बन गया, ये बड़ा सवाल है। चलिए, बन भी गया तो इन लोगों को चुना किसने? क्या 1,14,600 समथिंग वार्ड सचिव इन्होंने इनको चुना है? नहीं चुना है। तो नहीं चुना है तो बिना चुने हुए प्रदेश अध्यक्ष कैसे बन गया? ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री और पंचायत का मुखिया भी जनता ही चुनती है, चाहे वो किसी संघ का अध्यक्ष हो या फिर किसी संघ का सचिव हो, उसे जनता ही चुनती है और उस संघ का जो सदस्य होते हैं वही उसको चुनता है। अगर आप लोगों ने नहीं चुना तो ये अपने आप कैसे बन गए? हर किसी का जन्म होता है और जन्मदाता होता है। जब जन्मदाता ही नहीं है तो जन्म कैसे हो गया? किसने जन्म दिया, किसने चुना? वार्ड सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष को किसने चुना? वार्ड सचिव संघ के सचिव को किसने चुना? वार्ड सचिव संघ के उपाध्यक्ष को किसने चुना? किसी ने नहीं चुना। तो ये सब फर्जी है। बिना चुने हुए अपने आप को घोषित कर दिया कि हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हम प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम प्रदेश सचिव हैं, अपने आप को ही घोषित कर दिया, तो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा तो यहां हो गया। और दूसरा बात हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि आप लोगों से जो केस के नाम पर पैसा लिया जाता है, आप लोगों को बताया जाता है कि वार्ड सचिव संघ का जो केस हाईकोर्ट में चल रहा है उसमें 3 वकील हैं। तो 3 वकील है तो नंबर सिर्फ 1 वकील को क्यों मिलता है? आप लोगों को जितना भी ग्रुप है, जितना भी वार्ड सचिव है, सिर्फ 1 वकील का नंबर आप लोगों को क्यों दिया जाता है? जब आपने 3 वकील हायर किया है और तीनों आपका मजदूर है, चूंकि आपने उसका पे किया, आपने उसको खरीदा है, तो वो आपके हिसाब से चले, आप उससे सवाल करें, ये आपका हक बनता है, ये आपका अधिकार बनता है। आप तीनों वकील से सवाल कर सकते हैं, तीनों वकील से सवाल पूछ सकते हैं, कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन दूर करने के लिए सिर्फ 1 वकील क्यों, जब हम पैसा 3 वकील को दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। और मतलब आप सीधा सीधा समझ रहे होंगे कि किस तरह का ये वकील हायर किया गया है। ये वकील सिर्फ आप लोगों को झूठ बोलने के लिए रखा गया है, ताकि ये जो 3-4 जो आप लोगों का नेता बना हुआ है, जो फर्जी नेता बना हुआ है, उसके अनुसार ये वकील बोले और वही चीज आप सुने। आप लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जाता है और आप लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। मेरा कहीं से कोई उद्देश्य नहीं है कि वार्ड सचिवों की लड़ाई आगे ना बढ़े। हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी, चूंकि आप जब गर्दनी बाग में
10 लोग से बैठे हुए थे, सबसे पहला मीडिया डेमोक्रेटिक लाइव ही वहां पे पहुंचा था और आप लोगों का आवाज बुलंद किया और डेमोक्रेटिक लाइव का न्यूज देखकर फिर बाद में कई मीडिया वहां पहुंचने लगे। तो सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंची और आप लोगों का फैसला आखिरकार आ गया। चूंकि हमारे जितने भी बिहार के वार्ड सचिव संघ हैं, हम सभी से प्यार करते हैं, ऐसा एक संबंध बन गया है, जैसा लगता है कि आप लोग हमारे घर का एक संबंधी हैं, आप लोग हमारे भाई बंधु हैं, इस तरह का संबंध बन चुका है आप लोगों से। तो हम कतई नहीं चाहेंगे कि आप लोगों का कोई गलत डिसीजन आए, हम हमेशा चाहेंगे कि आप लोगों के पक्ष में अच्छा डिसीजन आए, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। मेरा ये भी फर्ज बनता है कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर रहा है उसकी जानकारी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊं। ये मीडिया का फर्ज होता है, ये पत्रकारिता धर्म होता है, हम वही पत्रकारिता धर्म निभा रहे हैं जो हमारा धर्म बताता है, जो पत्रकार का एक धर्म होता है वो धर्म हम निभा रहे हैं। हालांकि ये धर्म निभाने में थोड़ा कठिनाई होती है, जो वार्ड सचिव संघ के जो नेता हैं मोनू कुमार, वो मुझे फोन करके लगातार गाली देने का काम कर रहे हैं और गाली इतना गंदा गंदा दे रहे हैं कि हम आप लोगों को नहीं सुना सकते। मोनू कुमार बार बार हमको फोन करके फोन पे गाली दे रहा है और इतनी भद्दी भद्दी गाली दे रहा है जो कि हम आप लोगों को नहीं सुना सकते हैं। मैंने सिर्फ सच दिखाया और सच बोला, मेरा काम होता है सच बोलना और सच दिखाना, हम वही बोलते हैं जो आप लोगों के पक्ष में होता है। जो बिहार के 114,600 समथिंग वार्ड सचिव हैं, उनके साथ धोखाधड़ी नहीं हो। हम एक कहानी आपको बताना चाहेंगे, वो कहानी किसी और का नहीं, वो कहानी प्रदेश के उपाध्यक्ष, जो वार्ड सचिव संघ का जो उपाध्यक्ष कह रहे हैं उसकी कहानी है, उसकी धोखाधड़ी की कहानी है। वो अपने गाँव में मंदिर बनाने के नाम पर लोगों से चंदा इकट्ठा किया, जनप्रतिनिधियों से चंदा इकट्ठा किया, काम शुरू किया, मंदिर बनाने का निर्माण भी शुरू कर दिया, लेकिन वो कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। फिर गांव वालों ने आवाज बुलंद किया और उससे हिसाब मांगना शुरू किया कि ये कार्य क्यों अधूरा है, इसका हिसाब दो। उन्होंने टार बटोर किया और टार बटोर करते करते वो पटना पहुंच गए और आज तक वो मंदिर का कितना चंदा आया इसका हिसाब वो नहीं दे पाए। तो ऐसे ऐसे लोग आपके वार्ड सचिव संघ के नेता बने हुए हैं, उसका बैकग्राउंड आप जरूर जान लें। और मोनू का जो गांव है वो नदमा के पास तोप गांव पड़ता है, उसी तोप गांव का निवासी मोनू कुमार है, जिसका छवि अपराधी किस्म का है और अपने आप को समाज सेवी कहता है, लेकिन वो समाज सेवी नहीं, वो समाज सेवी कम अपराधी ज्यादा है। चूंकि एक अपराधी ही गोली मारने का धमकी दे सकता है, एक अपराधी ही गाली देने का काम कर सकता है, एक अपराधी ही धमकी दे सकता है, एक समाज सेवी कभी गाली नहीं दे सकता है, एक नेता कभी गाली नहीं दे सकता है, कभी धमकी नहीं दे सकता है। तो जो अपराधी छवि के लोग होते हैं वो आपराधिक भाषा ही बोलते हैं, आपराधिक भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ऐसे आप लोगों के नेता बने हुए हैं, उसका बैकग्राउंड जाने, उसका सच्चाई जाने, उसका हकीकत जाने कि वो आप लोगों के साथ जो कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप लोग जो पैसा दे रहे हैं वो सही जगह उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप लोग जब पैसा देते हैं तो आपका अधिकार बनता है, आप लोग उनसे हिसाब लें, आप लोग हिसाब मांगिए कि आप लोगों का खर्च कहां कहां हुआ और किस कार्य में कितना खर्च हुआ और कितना पैसा आया, इन सभी का हिसाब आप लोगों को मांगना चाहिए। और ये आपका कर्तव्य भी होता है और एक सच्चे नागरिक का ये काम होता है कि जब आप पैसा दे रहे हैं तो पैसा का हिसाब मांगना भी आपका ही काम होता है। तो आप अपने अधिकार के लिए, आप अपने लड़ाई के लिए सबसे पहले जिसको आप पैसा दे रहे हैं सबसे पहले उससे हिसाब मांगिए और उससे ये भी पूछिए कि किस कार्य में कितना पैसा खर्च हुआ है और कहां कहां खर्च हुआ है और कितना पैसा अब तक आया है। तो ऐसे ही सच्चे खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।